नमस्कार राधे राधे। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं, भद्रक राजयोग। तो भद्रक राजयोग कुंडली में कैसे जानेंगे, इसके लिए जो है हम अपनी कुंडली को उठा करके देखते हैं। 1 से 12 तक का कोई भी यहाँ पर लग्न का चार्ट हो, इससे मायने नहीं रखता है। यहाँ पर बुध की स्थिति देखी जाती है भद्रक राजयोग के लिए। अगर जो है बुध अकेला होकर के अगर जो है लग्न में स्थापित हो जाता है या चतुर्थ हाउस में रहता है, चौथे भाव में या 7वें घर में या 10वें घर में, अगर बुध जो है अच्छी डिग्री का है, अच्छी पोजीशन पर है और ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो भद्रक राजयोग बनता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिमान होते हैं। ऐसे बच्चे जो है बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। इनका भाषण इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये कहीं पर भी अपना भाषण देंगे तो लोग जो है इनका भाषण सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इनकी बातों को लोग काट नहीं पाते हैं। ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जो है ज्ञान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा इनका रुझान रहता है पढ़ने लिखने में, और ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ख़ास तौर से अगर बुध जो है 10th हाउस में है तो ऐसा जातक जो है वाणी के साथ साथ जो है अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है और पैसे भी काफ़ी अच्छा कमाता है ऐसा जातक। तो भद्रक राजयोग जो है अलग अलग पोजिशन पर अलग अलग बुध जहाँ जहाँ स्थापित होगा उसका अलग अलग महत्व होता है, लेकिन बुध जो है स्थापित होकर केंद्र में होगा तो बहुत अच्छे अपने फल देता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि कोई भी पीड़ित, कोई भी नकारात्मक प्लैनेट इसमें दृष्टि ना डाल रहा होगा। नकारात्मक प्लैनेट अगर दृष्टि डालेगा, मान लीजिए राहु यहाँ पर दृष्टि डालेगा, तो ये जो भद्रक योग है भद्रक योग तो बनेगा, लेकिन जो है ऐसा जातक कभी कभी अपनी वाणी बोल करके भी फंस जाएगा ऐसा है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है। नमस्कार राधे राधे।